जम्मू कश्मीर के आतंकवादी गतिविधियों पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये सिर्फ डोडा में नहीं बल्कि राजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है। अचानक से आतंकवादी गतिविधियां होने लगती हैं, इससे हमें परेशान होने की जरूरत है। कई सालों के बाद आतंकवाद से राहत मिली थी, लेकिन फिर से ऐसी गतिविधियां हो रही है। आतंकवाद का खात्मा होना विकास, जनता और रोजगार के लिए जरूरी है। इस क्रम में सरकार जो भी कदम उठा रही है वो सही है। पड़ोसी मुल्क को सोचना चाहिए कि उनकी ताकत भारत के मुकाबले शून्य है। ये सिर्फ डोडा में नहीं है, पूरी जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो राजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो राजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हो, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है। और इससे हमको परेशान होने की भी जरूरत है कि उनके बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज्म दोबारा बहाल हो गया था, टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा नुकसान होगा, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरी जो इतला है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि मिलिटेंट्स एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, क्योंकि जो छुपे हुए थे अब उनको जंगलों से हम निकाल के मार रहे हैं। तो जाहिर है जो छुपे हैं तो वो पोशीदा जगहों पे बहुत अरसे से छुपे हैं, तो फौज जब जाती है तो उन छुपी ही जगह का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिल्कुल जंगल भी, पहले हमने शहर साफ किए, गांव साफ किए, अब हम जंगलात में जहां ये छुपे हैं वहां भी साफ कर रहे हैं मिलिटेंट्स को,